नमस्कार दोस्तों, फोकिश म्यूजिक इंस्टीट्यूट में फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फास्ट फिंगर्स के बारे में, आज और पिच बैंड के बारे में हमारे पिछले दो लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उनको जाके देख लो ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो आज एक नए सब्जेक्ट पे, एक नए लेसन पे मैं बात करूंगा, वो है आपका पैडल्स। तो किस तरीके के पैडल्स होते हैं और क्या क्या उनका यूज होता है कीबोर्ड्स के अंदर, जो भी कीबोर्डिस्ट है, कीबोर्ड प्लेयर है, या वो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं या शोज करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से पैडल्स यूज होते हैं, या बिगनर है तो वही पैडल्स के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई पार्ट या कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले जानते हैं, हमारे तीन तरीके के मैं पैडल का आज आपको बताने वाला हूं। वो है एक वॉल्यूम पैडल, एक सस्टेन पैडल जिसको डेम्पर पैडल भी बोलते हैं, और है एक एक्सप्रेशन पैडल। तो ये तीन तरीके के पैडल्स होते हैं और ये कॉमनली कीबोर्ड्स के अंदर यूज होते हैं, तो इनका काफी यूज होता है। बट जनरली लोग वॉल्यूम पैडल और सस्टेन पैडल का यूज करते हैं, एक्सप्रेशन पैडल्स का यूज कम करते हैं या ना नहीं के बराबर जानते हैं। तो आज मैं इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और जो कीबोर्ड है उसके अंदर ये कैसे यूज होता है उसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं। तो चलते हैं। तो मैं आपको जो ये कीबोर्ड है वो है कैसियो का CTX 9000 IN। तो आप इसके पीछे देख रहे होंगे, तो ये है पैडल वन और ये है एक्सप्रेशन पैडल टू। तो ये मार्किंग आप देख रहे होंगे, तो पैडल वन में सस्टेन पैडल है, जैसे जैसे कि आप देख रहे होंगे राइट फुट पर ये पैडल यूज कर रहा हूं मैं, सस्टेन पैडल, जो कि आपके नोट्स को होल्ड करके रखता है और जब इसको रिलीज करेंगे तो ये कट हो जाता है। तो ये इसका होल्डिंग डाउन एक इसका फीचर होता है सस्टेन पैडल का। तो जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको, ये नोट है तो देख रहे हैं आप, इसको होल्ड करके रखना है। हाँ, अभी मैं पैडल यूज कर रहा हूं, फिर रिलीज कर दूंगा, फिर नेक्स्ट नोट, देन रिलीज, एक बार फुट पे चलते हैं और फिर देखते हैं। देखिए जैसे मैं ये यूज कर रहा हूं तो होल्ड डाउन, फिर रिलीज करना है, फिर नेक्स्ट नोट, देन रिलीज इट, फिर होल्ड डाउन जब तक आपको प्ले करके रखने नोट्स, अदरवाइज कट हो जाएंगे, देन रिलीज। ये जो सस्टेन पैडल का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसके अंदर, वो सभी जानते हैं, इसको डेम्पर पैडल भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सस्टेन पैडल क्या करता है, ये बेसिकली क्या है कि लिगाटो एक टर्म होती है जो हमारी यूज होती है वेस्टर्न म्यूजिक में, उसका यूज होता है, जैसे कि उसको कनेक्टेड प्ले करना और स्मूथली प्ले करना। अब यही मैं विदाउट सस्टेन पैडल की प्ले करूंगा, इसको सुनते हैं। देखा होगा उसमें सस्टेन नहीं हो रहे नोट्स, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड नहीं हो रहे, वो स्मूथली भी उसको साउंड नहीं कर रहा है वो। तो ये ही सबसे बड़ा इसका फीचर होता है जो कि आपका सस्टेन पैडल और यानी कि डैम्पर पैडल का होता है। तो इसको जनरली क्या है, कॉर्ड्स में भी आप यूज कर सकते हैं, या कोई एम्बिएंट म्यूजिक है, सॉफ्ट म्यूजिक है, उसके अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे दिखा दिया पैडल, तो ये पैडल होता है, मैं आपको दिखाता हूं एक बार, ये देखिए, ये जो पैडल है ये हवाना का पैडल है, WTB सस्टेन पैडल, आप देख रहे हैं, ये इसका मॉडल नंबर है, ये मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, अच्छा पैडल है। और अब देखिए इसको आपको प्ले करने के लिए,
इसको होल्ड करके रखिए, देन रिलीज। और जैसे ही आप इसको रिलीज कर देंगे तो नोट कट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये देखिए, जैसे ही मैं रिलीज कर दूंगा कट छूट जाएगा नोट, तो ये सस्टेन होता है। इसमें एक पोलैरिटी दी होती है यहां पे, जैसा आप देख रहे होंगे, तो ये स्विच होता है। मेक श्योर कि आप इसको चेक कर लें कि ये आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जब भी आप कोई नया पैडल ले तो इसको भी मेक श्योर आप चेक कर ले कि ये कैसा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, ये इस पे लगे हुए हैं ताकि ये हिले डुले ना। और ये है आपका हवाना का एक बेसिक सा सस्टेन पैडल। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब मैं आपको एक पैडल और दिखाता हूँ जो कि है सस्टेन पैडल। तो ये है सस्टेन पैडल, इसको हम देखते हैं। ये है, जैसे कि ये आप पैडल देख रहे हो, ये साउंड एक्स का वॉल्यूम पैडल है। ये एक पैडल का टाइप ही है, आप इसको देख रहे होंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी ये देखिए। तो ये जो पैडल है, ये है आपका वॉल्यूम पैडल। अब वॉल्यूम पैडल बेसिकली क्या होता है, ये कंट्रोल करता है आपके वॉल्यूम को। तो ये कंट्रोल करता है वॉल्यूम को, और आपकी जितनी भी कंट्रोलिंग होती है, जब भी आप कीबोर्ड प्ले करते हैं, जो वॉल्यूम है वो इससे कंट्रोल होती है। इसके ये इनपुट आउटपुट आप देख रहे हैं, दो आउटपुट दो इनपुट। तो ये क्या है, अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पे एम्प नहीं है जनरली, और मिक्सर भी इसके लिए चाहिए होता है। जब भी आप लाइव परफॉर्म करते हैं या लाइव शोज करते हैं तो उसमें ये इसका यूज़ काफ़ी होता है। तो मैं अभी इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पे ये सारी चीज़ें हैं नहीं। तो वॉल्यूम पैडल क्या है, आपकी लाउडनेस को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो वॉल्यूम पैडल है वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ में होता है, क्योंकि आप विदाउट टच जो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये कंट्रोल, क्योंकि जब आप प्ले कर रहे होते हैं तो आप बार बार इसको आप यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके कीज पर होता है, और वो कीज पर होता है तो आप इसको बार बार कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए बाय फुट आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये फुट पे ऐसे आ जाके आप इसको ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं, तो आप देख रहे होंगे, तो ये ऐसे यूज़ हो जाता है। तो आपका लेफ्ट हैंड फ्री हो जाता है कि जो भी है आप उसको फ्रीली आप लेफ्ट हैंड से प्ले कर सकते हैं। जो इसका कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया है, वो एम्पलीफायर उसके लिए चाहिए होता है, और उसी के लिए आपको कनेक्ट करना होता है डायरेक्टली टू द मिक्सर और आपका इंस्ट्रूमेंट। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है जो आपको यूज़ में करना होता है। तो ये साउंड एक्स का है, अच्छा है, ये VP500 मॉडल है इसका, और आपके बजट में भी आ जाएगा। काफ़ी सारे और भी आते हैं जो कैप्स के है, बाकी है, तो आप ये देख रहे होंगे, अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं और बढ़िया चीज़ है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, ये दो आप देख लीजिए साथ में। ये जैसा कि आप इसकी फोटो देख लीजिए कि इसमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। तो ये इसका एक होता है। अब एक तीसरा पैडल भी होता है, वो जस्ट ऐसी ही आपको दिखेगा, ये इसी तरीके का दिखता है तीसरा पैडल भी, जिसको हम एक्सप्रेशन पैडल कहते हैं। एक्सप्रेशन पैडल कंट्रोल्स करता है आपके मल्टीपल पैरामीटर्स को, उसको कंट्रोल करता है। और इसकी वर्सटैलिटी ये होती है कि ये कंट्रोल कर सकता है आपके इफेक्ट्स, जैसे रिवर्ब हो गया, फिल्टर हो गया, इनको एक्सप्रेशन पैडल आपका वो करता है, क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल करता है। तो ये इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के लिए क्या है कि वो जो एक्सप्रेशन पैडल है वो आपको कंट्रोल करता है काफ़ी पैरामीटर्स रियल टाइम के अंदर। तो वो रियल टाइम के अंदर करता है, जैसे मॉड्यूलेशन हो गया, फिल्टर हो गया, रिवर्ब हो गया और अदर इफेक्ट्स हो गए। तो ये इसके लिए जनरली यूज होता है।
तो अब जैसे क्या है कि एक्सप्रेशन पैडल और वॉल्यूम पैडल में क्या डिफरेंस है, कि एक्सप्रेशन पैडल के अंदर मैंने बताया कि आपको जैसे रिवर्ब हो गया, फिल्टर हो गया, ये कंट्रोल करता है इफेक्ट्स, और जो वॉल्यूम पैडल होता है वो सिर्फ लिमिटेड होता है आपके कंट्रोल करने को, वॉल्यूम को। तो वो दिखते सिमिलर से है बट इनका काम अलग अलग होता है, तो ये जानना जरूरी है। एक्सप्रेशन पैडल बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, जो काफी अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जो जिनको यूज उसका पता है वो ही इसको यूज करते हैं, अदरवाइज उसका यूज नहीं करते हैं। तो एक्सप्रेशन पैडल डायनेमिक कंट्रोल्स करता है आपके साउंड इफेक्ट्स के ऊपर, जो कि काफी यूजफुल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और रॉक और आपका एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक आप कह सकते हैं। तो ये तीनों तरीके के होते हैं और ये तीनों तरीके का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। आप क्या वॉल्यूम पैडल्स और एक्सप्रेशन पैडल को क्या यूज कर सकते हैं? तो हाँ, अगर आपका कीबोर्ड कंपैटिबल है तो आप वॉल्यूम पैडल को भी यूज कर सकते हैं एज ए एक्सप्रेशन पैडल, बट आपको वो देखना पड़ेगा कि आपके कीबोर्ड के अंदर वो फीचर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर बहुत डिफिकल्ट है, वरना आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि वॉल्यूम पैडल जो है वो एक्सप्रेशन पैडल की तरह आपका वर्क कर रहा है, कीबोर्ड पे नहीं कर रहा है। तो वो सेटिंग्स में होता है, वो जाके आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको ये तीन तरीके के आज पैडल्स बता दिए हैं, जिसमें है आपका एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन पैडल, और है फिर वॉल्यूम पैडल, और है सस्टेन पैडल। तो ये तीनों का ही एक ही वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ताकि आप उसको समझ सके, और तीनों का वर्किंग और तीनों की एप्लीकेशंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेक श्योर ये आपको काफी अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट से आप भेज सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आप देखते रहे फोकस म्यूजिक इंस्टीट्यूट। टेक केयर, नमस्कार।